स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी, आपकी तो यह पहली जनसभा है। जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है, तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, उसकी बात करेंगे सारी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, सवा साल हुआ है बस, अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलके कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलके राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं, 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा,
आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को, मेरे को पता है। आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं एक एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा, कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। आज राजस्थान में 18.5 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं, ये तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। मेरा दिल कहता है, मेरा एस्टीमेट है कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार हैं। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने, उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने, कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां देके आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है।